नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। नसरुल्लागंज, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में पेड़ पौधों का विशेष महत्व होता है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए नगर परिषद द्वारा अंकुर योजना के तहत पौधारोपण किया जा रहा है, जिसके तहत नगर के शासकीय भवनों के आसपास खाली पड़ी भूमि पर पौधारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकारों तथा नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण किया, जिसके तहत विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। सर, जो पर्यावरण को लेकर जो आज पौधारोपण किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये माननीय कमिश्नर महोदय के निर्देश अनुसार आज 7 तारीख से 14 तारीख तक पर्यावरण सप्ताह के रूप में अंकुर अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें आज शुभारम्भ किया गया है। नगर में आज वृक्षारोपण किया गया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड में वृक्षारोपण कराया और आज से लेकर 14 तारीख तक लगातार वृक्षारोपण कार्यक्रम किए जाएंगे। सर, ये कहाँ कहाँ किए जाएंगे शहर के अंदर? नगर की जो सुरक्षित जगह हैं, जैसे सीवर रोड पर किए जा रहे हैं, कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आईटीआई है, हॉस्टल है, कॉलेज का कैंपस है, नगर पालिका के पीछे एक कैंपस है। इसमें लोगों का क्या सुझाव मिलेगा? लोगों इसमें क्या है, कमिश्नर साहब के निर्देश है कि लोगों को एक व्यक्ति एक वृक्ष, लोगों की जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को उसके प्रति वो होना चाहिए कि ये वृक्ष सुरक्षित रहे, पर्यावरण के लिए वृक्ष जरूरी है। इसमें जन सहयोग मिल रहा है, जनता से सहयोग मिल रहा है, लोग सामाजिक कार्यकर्ता और सभी कॉलोनी वासी, शिक्षक संघ, सभी लोग मिलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम अपना अपना कर रहे हैं, जिसमें अन्य सभी प्रकार की वो। खबर समय जगत के लिए नसरुल्लागंज से हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।